हेलो गर्ल्स, अब हमारी रिवीजन टर्म वन एग्जाम आ रही है, तो मैं आपका उसको फॉर्मेशन बता दे रही हूँ कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे गर्ल्स। तो सबसे पहले आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं एमसीक्यू, बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसमें से आपको एक को सही है उसको टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक वर्ड आपको लिखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भरो। ट्रू एंड फॉल्स, जो सही है उसको ट्रू और जो गलत है उसको फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट वन है मैच द पेयर, आपको जोड़ी जमानी है। फिर क्वेश्चन आंसर है, जैसे आपसे पूछे हु वॉज बबली, तो बबली इज अ रैबिट, हु वॉज रमन, रमन इज अ पुअर बॉय, इस तरह के आपको क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है। फिर जंबल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स मतलब एच आई, वो डी आई एच ई लिखा है तो आपको उसको सही करके एच आई डी ई, आपकी एक्सरसाइज बुक में ये सब है और हमने ये सब कॉपी में भी किए हैं। फिर एड एस, जैसे पी एल ए वाई प्ले, उसके आगे आपको पी एल ए वाई प्ले के साथ में एस और लिख देना है, पी एल ए वाई प्ले और उसमें साथ में हम ऐड कर देंगे एस, तो हो गया वो पी एल ए वाई एस प्लेस। फिर अपोजिट, जैसे कम, गो, इन, आउट, अपोजिट लिखना है। फिर ए ई ओ यू साउंड हमने पढ़े हैं, उसके हमको लिखना आना चाहिए, जैसे एच ए टी हेड, सी ए टी कैट, एम ए टी मेट, आर ए टी रेट, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्मेशन, आप उसी के अकॉर्डिंग हम रिविजन करेंगे। सबसे नंबर वन क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रमन सॉ सम पीपल क्रॉसिंग द रिवर, तो मैंने आंसर ही लिखा है, मैंने दो रॉन्ग वर्ड और नहीं लिखे हैं। आप सिर्फ आंसर, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप आंसर को थ्री टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। वन हु अवेक लेट कैन बी नेवर वाइज, जो लेट उठता है वो कभी वाइज नहीं होता है, आप इसको वाइज को टिक करेंगे और वाइज को आप थ्री टाइम्स लिखेंगे ताकि आपको हमेशा लर्न रहे। पब्ली लिव डिनर, पब्ली कहाँ रहता था, गार्डन में, तो गार्डन को आप थ्री टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हु वॉज टॉलर, टॉलर कौन था, जिराफ, तो जिराफ को आप टिक करके आप उसको थ्री टाइम्स लिखेंगे। बबली वॉज ईटिंग, बबली क्या खाता था, कैरेट, तो आप कैरेट्स को टिक करके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ आंसर आंसर इसलिए लिखेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, आपको लर्न रहे, आप कभी भूले नहीं, इसलिए सिर्फ आंसर आंसर लिखें ताकि आपको जब एग्जाम दें तब आप अच्छे से कर पाए। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में सोनू, सोनू के साथ हमको क्या लिखना है, यहां पर हैज, आई, आई के साथ हैव, यहां आई एम रीडिंग राइडिंग अ बाइसिकल, शी के साथ यहां आएगा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जॉन है, जॉन के पास कितने पेट्स है, टू, कितने पेट्स है गर्ल्स, टू, तो ये आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है ना। नेक्स्ट अपन ट्रू फॉल्स करते हैं गर्ल्स, अब हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। जॉन है टू पेट्स, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है गर्ल्स, क्योंकि जॉन के पास टू पेट्स थे। जीब्रा वॉज द रेफी, नहीं, रेफी मंकी था, ये फॉल्स हो गया। द कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, सही है, कॉक मॉर्निंग में ही क्रो करता है। वी ईट कैरेट्स, यस, हम गाजर खाते हैं। फिर द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू स्विम, चाइल्ड को स्विमिंग करना नहीं आती थी, ये भी सही है। तो जो सही है उसको हमने ट्रू लिखा, जो रॉन्ग है उसको हमने फॉल्स लिखा। तो आप सब बुक खोलिए, बुक के पीछे एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ है और मैंने आपको बार 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 ये करवाए हैं। तो गर्ल्स आप बुक में से ये इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ये के यही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकें। ओके गर्ल्स।